सुबह सुबह कहाँ विस्फोट करने का इरादा है आज? हाँ हाँ, एटम बॉम्ब हूँ ना मैं, देख रही हूँ मैं। आजकल आप भी ना अपनी समझी की ही जुबान बोलने लग गए हो। अच्छा अच्छा, ऐ दोस्तों की आज सुबह सुबह जा कहाँ रही हो? श्रद्धा आई है ना, तो सोच रही हूँ जाकर उससे मिल ही लूँ, वरना फिर वो लोग यही कहेंगे कि हाय हमारी बेटी आई थी पर कोई मिलने नहीं आया। सही है, लेकिन आपको भी अपनी बेटी के घर जाने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए बस। नेवर माइंड करो जी, पर दुनियादारी भी ना कोई चीज होती है। अब चलो, जब देखो तो ना आप ही की वजह से सारी देरी होती है। हाँ सही है। मम्मी जी, किट्टू भाभी, कामनी आंटी आई है आप लोगों से मिलने। 100 साल जिएगी तेरी माँ, मैं देखती हूँ। रब्बा, मुझे तो लग रहा है कहीं मम्मी फिर से मिठाइयों का ट्रक लेकर ना पहुंच गई हो। अरे अभी 2 दिन पहले तो आपने मिठाइयों का ट्रक उतारा था, आप फिर ले आएंगे? Never mind जी, लेकिन आज तो ये सारी मिठाइयां ना मैं आपके लिए नहीं लाई हूँ मेजर साहब। अरे आंटी, आपको कितनी बार बताया पापा मेजर नहीं है, कर्नल है। अरे भैया, इनको अगर आप फौज में भी जमा कर देंगे तब भी इनकी समझ में नहीं आए। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते जमाई बाबू, आइए आइए बैठिए ना। अरे पता है जमाई बाबू, जब मुझे पता चला ना कि श्रद्धा भी यहाँ आपके साथ आई है, हाय मुझसे तो रहा ही नहीं गया। हाँ नमस्ते कामिनी जी। अरे अरे बहन जी, नमस्ते नमस्ते, आइए आइए बैठिए, किट्टू आ ही रही है। हाँ जी हाँ जी। किट्टू, वैसे आज ना मैं तुझसे मिलने नहीं आई हूँ, आज तो ना मैं यहाँ श्रद्धा बेटी से मिलने आई हूँ। अब देखिए ना, जमाई बाबू और किट्टू की शादी में तो वो आ ही नहीं पाए, और आशीष और जया की शादी में भी ना उससे ठीक से बात ही नहीं हुई थी। हाय, पर श्रद्धा है कहाँ? नहीं नानी, नहीं नानी, ये देखो मम्मा आ गई। हाय श्रद्धा बेटी, नमस्ते नमस्ते, कितनी सोनी लग रही है, तुझे किसी की नजर ना लगे। सच कहूं बहन जी, आपके दामाद जी पॉबी जी ना बड़े ही लक्की हैं। जया बेटा चाय लेकर आ। आंटी जी को ना अपनी बेटी के हाथ की चाय अच्छी लगती है मम्मी जी। क्यों आंटी जी? अच्छा तो तू मेरी बेटी नहीं है क्या? पता है श्रद्धा, मैं किट्टू की मम्मी हूँ, लेकिन जब भी यहाँ आती हूँ ना, हाय सबसे ज्यादा खुश तो ना जया ही होती है। वैसे एक बात बताओ, ये बॉबी जी है कहाँ? सिंगापुर गए ना मेरे बर्थडे पे आएंगे। अच्छा तेरे पापा सिंगापुर में बर्थडे पे आएंगे, लगता है तेरे पापा ना सिंगापुर जाकर ही सेटल हो गए। देखना जब भी देखो तो सिंगापुर में रहते। चल नेवर माइंड करो, वैसे एक बात बता श्रद्धा, मेरी बेटी को ना तेरी भाभी बने हुए 2 साल हो गए, पर ये कितनी गलत बात है, इन 2 सालों में तूने बॉबी जी को हमसे मिलाया ही नहीं। अरे कहां से मिलाते आंटी जी, बॉबी जी को तो 1 साल से ऊपर हो गया श्रद्धा दीदी को छोड़े। और 6 महीने से तो उनको कोई अता पता भी नहीं है। ध्रुव, बेटा वीडियो गेम्स खेलोगे? श्रद्धा बेटी को उसके पति ने छोड़ दिया। मतलब अब ये यहाँ हमेशा के लिए आ गई है? तो क्या हुआ, घर है इसका? हाँ हाँ, मैंने कब कहा कि ये घर इसका नहीं है।
पर मम्मी मम्मी प्लीज छोड़िए ना ये सब। आप बेटा मैं तो अपनी हूँ, मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर समाज क्या कहेगा? बेटी घर वापस आ गई सागर। समधन जी, हमने इस बारे में अब तक कुछ सोचा नहीं है। तो कुछ सोचिए इससे पहले कि सबको पता चल जाए। बेटी का इस तरह घर वापस आ जाना ये कितनी बुरी बात है। कामनी जी, हम कुछ और बात कर सकते हैं? समधी जी, ये कोई मामूली बात नहीं है। और जमाए बाबू, आप तो बड़े समझदार हो ना, इसे मायके ले आए। आप तो वहीं थे ना जमाए बाबू, तो उसके पति से बात करके आपको सारे मामले को ना रफा दफा कर देना चाहिए था। इस तरह उसे उठाकर यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? मम्मी बस करो, बहुत हुआ। तो चुप कर, तो कुछ नहीं जानती। बेटा चाहे जो भी हो ना, बेटी का घर उसके पति के घर ही बीतना है। क्यों समधन जी, मैं कुछ गलत कह रही हूँ? समाज भी यही मानता है ना कि औरत डोली में बैठ के अपने ससुराल जाती है और फिर वहां से उसकी अर्थी ही निकलती है। समधन जी, अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है, पर समाज के डर से औरत खुद अपनी अर्थी क्यों तैयार करे? समधन जी आप भी बंद कीजिए सब। मम्मी जी, जमाई बाबू, मैं श्रद्धा के खिलाफ नहीं हूँ। बेटी के बारे में अच्छा सोचना, अच्छा करना ये और बात होती है, लेकिन इस तरह बेटी को घर लाकर बिठा देना बड़ी बदनामी वाली बात होती है। अब आप ही बताइए, हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? आपको समाज में मुंह दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। श्रद्धा मेरी बेटी है, समाज को मैं समझ लूंगा। बिट्टू बेटा प्लीज अपनी मम्मी को कहो के। मम्मी प्लीज आप अभी चली जाइए यहां से। क्या बेटा तुम समझती क्यों नहीं? अरे मम्मी आप समझने की कोशिश कीजिए ना, ये इस घर का मामला है और तू भी इसी घर में रहती है ना। कल जब लोग तुझसे 10 सवाल पूछेंगे तब तो मैं वही जवाब दूंगी जो इस परिवार का जवाब हो। आप भूल रही है कि मैं शेरगिल और ये शेरगिल परिवार का मामला है, इसलिए प्लीज प्लीज आप इस मामले से अलग ही रहिए। <स्थाथ>